हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनियक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑडियो इंटरफेस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको हेडफोन्स के बारे में बताया था। सो वहां पे मेरे को कमेंट्स आए थे कि आपने हेडफोन के बारे में तो बता दिया, तो अब साउंड कार्ड के बारे में भी बताइए या ऑडियो इंटरफेस के बारे में भी बताइए। सो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, ऑडियो इंटरफेस और साउंड कार्ड एक ही चीज होती है, एक ही डिवाइस होती है जिसको कई लोग साउंड कार्ड बोलते हैं और कई लोग ऑडियो इंटरफेस बोलते हैं। सो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट साउंड कार्ड है आपके लिए या ऑडियो इंटरफेस बेस्ट है आपके लिए। सो मेरे पास अभी 3 है। सबसे पहला है फोकस राइट का 2i2। सो बेसिकली मैं आपको सही बताऊं तो ये मेरा नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड का है, उनसे मैंने लिया था कि मैं मेरे को वीडियो बनानी है। सो उन्होंने मेरे को दिया और बोले लो वीडियो बना लो। सो ये है 2i2। इसमें 2 इनपुट होता है और आउटपुट इसका 2 होता है, मतलब 2 आउटपुट होते हैं इसके। सो एक बारी ऐसे दिखाऊं, मैं एक आपको स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा इसका दिखा दूंगा, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि। और इसके बाद जो मेरा अपना मैं पर्सनली यूज करता हूं वो है 2i4, फोकस राइट का 2i4, स्कारलेट 2i4, फोकस राइट स्कारलेट 2i4, फोकस राइट स्कारलेट 2i2, ये वाला है। सो ये वाला मैं आपको दिखाता हूं। सो ये है 2i4, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है ये, इससे आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली। सो इसमें क्या है, इसमें भी 2 इनपुट हैं और आउटपुट इसमें 4 हैं। ये मैंने क्यों लिया, इसका रीजन है क्योंकि 2i4 कई बार जरूरत होता है डीजेइंग के लिए। सो मैंने इसीलिए लिया था कि कभी अगर मेरे को यूज करना हो डीजेइंग में, सो मैं इस वाले ऑडियो इंटरफेस को ले सकता हूँ। अगर आप सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला ऑडियो इंटरफेस, ये बेस्ट इंटरफेस है। और इससे भी अगर आप सस्ता चाहते हैं, देखिए इसमें जो इनपुट हैं वो 2 हैं, मतलब कि आप 2 चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो एट अ टाइम। मतलब एक में अगर आपने माइक लगा दिया और दूसरे में आपने गिटार लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और अगर आपका बजट इससे भी कम है सो इसका एक और वर्जन आता है फोकस राइट स्कारलेट सोलो, सो आप वो ले सकते हो। उसमें भी होता है 2 इनपुट, लेकिन उसमें एक आपका गिटार एक हो जाएगा, XLR इनपुट होता है, और दूसरा जो उसमें होता है वो आपका नॉर्मल जो माइक वाला पोर्ट होता है ये वाला होता है, 6.3 mm होता है एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। सो वो वाला पोर्ट होता है, आप इसमें वो वाला जो है सोलो वाले में आपको मिलेगा। और अब मैं प्राइस की अगर बात करूं, सो ये जो मैंने है 16,000 के आसपास कुछ प्राइस है इसका लिया था, और ये वाला जो है ये 14,000 आज की डेट में है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और सोलो आपको 2,000 इससे भी कम मिल जाएगा, 12,000 तक मिल जाएगा। तो कहने का गाइज यही मतलब है, अगर आप साउंड कार्ड ले रहे हो तो अच्छा साउंड कार्ड लो, एक बारी इन्वेस्ट करना है। और मेरे अकॉर्डिंग देखो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको वही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। फोकस राइट ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए हैं या कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट अगर आप लोगों ने पूछा था सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ और वही चीज़ बताऊँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ और, ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ और वो चीज़ बेकार है, मतलब कि यूज़ में ज़्यादा नहीं आ रही है या जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैंने ले लिया है। सो वो चीज़ मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे पास एक और साउंड कार्ड है ऑडियो इंटरफेस एम ऑडियो का, ये मैंने काफ़ी पहले लिया था और ये 15,000 का उस टाइम था, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 7-8 साल इस ऑडियो इंटरफेस को हो गए होंगे। सो एम ऑडियो ये मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, फास्ट ट्रैक प्रो, और इसमें भी 2 इनपुट हैं और इसमें जो आउटपुट है वो 4 हैं। सो आप कहोगे कि 2i4, लेकिन इसकी और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर नहीं है। अब एक चीज़ और है कि ये पुराना भी है यार, तो 7-8 साल पहले इतना कुछ जो है, मतलब 7-8 साल के बाद अगर कुछ चीज़ आएगी तो वो थोड़ी सी एडवांस होगी। सो ये तो अब आना बंद हो गया है और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा एम ऑडियो के। आप लोग एम ऑडियो के प्रोडक्ट्स, मैंने टी शर्ट पहनी है, ये मत सोचना है कि मैंने टी शर्ट पहनी और मैं बुराई कर रहा हूँ, बट जितना मैंने एम ऑडियो के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं मेरे को मज़ा नहीं आया है उसमें। सो एम ऑडियो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर लेना चाहते हो फोकस राइट आप ले सकते हो,
एक चीज और मैं आपको बताऊं, अब लोग कहते हैं कि यार फोकस राइट लेके क्या फायदा है, 3,000 रुपए में बेरिंगर का भी मिल जाता है, 3-4 हजार रुपए में साउंड कार्ड मिल जाता है। सो देखो यार बात ऐसी है ना, एक फोन आता है 50,000 का, एक फोन आता है 30,000 का, एक फोन आता है 10,000 का, एक फोन आता है 4,000 का। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 या 15,000 का जो भी बजट है उसमें काफी अच्छा फोन है, काफी चीजें मिल रही हैं, बट अगर आप उसको 50,000 के फोन के साथ कंपेयर करोगे तो क्या आपको वो क्वालिटी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। मैंने फोन का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है, लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपग्रेड करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम शायद कोई चलाएगा तो 3 साल 4 साल, इससे ज्यादा कोई फोन नहीं रखता है। बहुत कम लोग होंगे जो बहुत पुराने फोन चलाते हैं, बट ज्यादातर लोग जो है जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, 1 साल में 6-6 महीने में भी लोग चेंज कर लेते हैं। सो क्यों चेंज करते हैं? उसका रीजन होता है कि अपग्रेड चीज आई है। सो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा अपग्रेड आते रहते हैं, लेकिन जो ये साउंड कार्ड और ये साउंड इंटरफेस है इसमें इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं आते हैं। सो अगर आप 3,500 या 4,000 जो भी है वो बेरेंगर का या और भी कोई सस्ता सा साउंड कार्ड लोगे, ऑडियो इंटरफेस लोगे, सो 2 साल बाद अगर आपको लगे कि यार ये तो बेकार ले लिया, अब दूसरा इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरे में थोड़ा सा महंगा ले लेते हैं इससे, तो जो आपने वो अभी पैसा लगाया है ना, आपका वो पैसा बेकार हो जाएगा। और अगर आप साउंड कार्ड कोई अच्छा सा लोगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सो कम से कम आपका वो 7-8 साल तो चलेगा चलेगा, आपको उससे पहले यूज़ करने की ज़रूरत, मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़, अब जैसे मेरा ये था 7-8 साल, मैं कह रहा हूँ ये 7-8 साल मैंने चलाया है, और ये वाला जो है उसके बाद मैंने लिया है, लास्ट ईयर मैंने ये वाला साउंड कार्ड लिया था, 1 साल इसको शायद हो गया होगा, हाँ 1 साल से ऊपर हो गया, मतलब 1 साल 2 महीने ऐसे हो गए। सो आप ये तो देखो मैंने इतना चलाया, यही अगर मैं कोई सस्ता सा लेता तो वो मेरा मुश्किल से 2 साल चलता, मैक्सिमम 2 साल चलता, उससे ज़्यादा वो नहीं चल पाता। सो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, चीज़ ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी चीज़ में करो, अगर बजट का कुछ प्रॉब्लम है अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सेव करो। मैं हमेशा कहता हूँ गलत चीज में पैसा मत डालो, पैसा आपका है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, सो थोड़ी सी मेरी बात मानोगे तो फायदा आपका होगा। और अगर ये साउंड कार्ड में आप इंटरेस्टेड हो, सो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, इनफैक्ट तीनों के लिंक मिल जाएंगे, 2i4, 2i2 और 2i सॉरी सोलो जो होता है वो सोलो ही है, उसमें 2i कुछ नहीं है, 2i2, 2i4 और सोलो, तीनों के जो आपको लिंक्स हैं, परचेज लिंक्स हैं अमेजोन के, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में उससे कम प्राइस में मिलता है तो आप वो भी देख सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इससे इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, साथ में सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे और कौन से वीडियोस बनाने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।